नमस्कार दोस्तों, टिप्स टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो में आप जानेंगे गर्भ में पल रहा शिशु सांस कैसे लेता है, यानी आपके गर्भ में जो पलने वाला शिशु है वो सांस आखिर कैसे लेता है, यानी शिशु तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है। प्रेगनेंसी के दौरान आपके मन में तरह तरह के सवाल होते हैं, लेकिन यह सवाल शायद ही आपके मन में होगा कि आपके गर्भ में पलने वाला शिशु को सांस कैसे मिलती है, यानी ऑक्सीजन जो हर इंसान की ज़रूरत है वह ऑक्सीजन आपके गर्भ में पल रहे शिशु तक कैसे पहुंचती है, इसके बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए टिप्स टू यू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं प्रेगनेंसी के दौरान माँ का जो पोषण और ऑक्सीजन होता है वो आपके बच्चे तक कैसे पहुंचता है, इसके बारे में आइए समझते हैं। आपको बता दूं, गर्भ में जो बच्चा होता है वो एक पानी की थैली के अंदर होता है, जिसमें पूरे 9 महीने तक उसका विकास होता है, और जिसमें पानी के जो थैली में जो बच्चा होता है उस पानी के थैली को एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है, और बच्चे के विकास के लिए सभी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती है, जैसे कि बच्चे का विकास होने के लिए पोषक तत्व, ऑक्सीजन, ब्लड, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होती है, और ये सभी चीज़ों को पहुंचाने का काम करता है गर्भनाल। आपको मैं बता दूं, गर्भनाल वह नाल है जिससे माँ और बच्चे दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, और माँ जो भी कुछ खाती पीती है उसकी बॉडी से बच्चे तक जो पहुंचता है वो गर्भनाल के जरिए ही पहुंचता है। वो सभी ज़रूरी चीज़ें माँ से लेकर बच्चे तक गर्भनाल के जरिए पहुंचता है, यानी यूं समझे तो गर्भनाल ही एक ऐसा जरिया होता है जिससे कि बच्चे तक, यानी जो गर्भ में पल रहा शिशु है उस तक पोषण और ऑक्सीजन और ब्लड सही तरीके से पहुंच पाता है। आपको मैं बता दूं, ऐसे में जब गर्भनाल रक्त के साथ ऑक्सीजन तक पहुंचती है तो उसी नाल के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे के बॉडी से बाहर भी निकल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है आपके शिशु के लिए। यानी गर्भनाल आपके बच्चे तक ऑक्सीजन तो पहुंचाता ही है, इसके साथ ही आपके गर्भ में पल रहे शिशु के शरीर से हार्मफुल गैस को भी बाहर निकालता है, यानी गर्भनाल दोनों तरीका को अपनाता है और आपके बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और आपके बच्चे के शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज भी करता है। यानी गर्भनाल ही मेन जरिया है आपके बच्चे को स्वस्थ और विकसित होने के लिए। तो यही सब थी हमारी आज की इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।